नमस्कार एवरीवन, आज हम जा रहे हैं सिविल लाइंस इन लोगों को घुमाने। अनी आया हुआ है तो हमने सोचा कि इसको घुमा दे, तो हम ये स्टेशन की तरफ निकल लिए हैं और स्टेशन के कुछ ही दूर पे हमें मिल जाएगा ई रिक्शा जिससे हम जाएंगे सिविल लाइंस। तो हम यहाँ पे ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं और हमें कहीं पे भी ई रिक्शा नहीं दिख रहा। जो भी देखेंगे वो हाई फाई रेट मांगेंगे। चलो फाइनली ई रिक्शा आ गया पर सब भरे हुए हैं। तो गाइस रिक्शे वाले से लड़ने के बाद, क्योंकि वो 80 रुपए मांग रहे थे चमार पी के, तो हमने 10-10 रुपए में मांगवा दिया है। आपको मेरी आवाज़ नहीं सुना रही होगी, हमने रिक्शे वाले को 10-10 रुपए में मांगवा दिया। तो गाइस अब हम जा रहे हैं सिविल लाइन सिविल लाइन सिविल लाइन सिविल लाइन सिविल लाइन हम उतर लिए सिविल लाइन चौराहे पे और सबसे पहले हम जाएंगे हनुमान मंदिर दर्शन करने। सो ये है हनुमान मंदिर का गेट और यहाँ से हम करेंगे एंट्री। ये हनुमान मंदिर के अंदर एंट्री करते ही हमें दिखेगा सबसे पहले ये जो सबसे सामने मंदिर है, ये हनुमान मंदिर। यहाँ पे मिलते हैं प्रसाद और फूल माला। आपको यहाँ से प्रसाद और फूल माला लेना है, फिर अपने जूता चप्पल को बाहर उतारना है, फिर अंदर एंट्री करना है। तो अपने सामान की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। है बजरंग बली, तो जय बजरंग बली। और अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो हम यहीं से बंद कर देंगे। अम्बे गौरी माता का मंदिर, फिर इधर राम कृष्ण सीता का मंदिर और फिर ये हमारे हनुमान जी का लास्ट में दर्शन कर हमारे महादेव का मंदिर। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है और यहाँ पे उनकी शिवलिंग, एक बीच में मेन शिवलिंग है, फिर बगल बगल शिवलिंग है, सरस्वती माता की मंदिर है और राम राधा कृष्ण है यहाँ पे। सो अब हम वापस जा रहे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं हम गेट से। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई, शादी में ज़रूर आना जैसे। सो गाइज मैंने अनी को प्रॉमिस किया था इलाहाबाद घुमाने के लिए, तो मैंने इलाहाबाद में अनी को बस क्या घुमाया है, अभी हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर घुमाया। अनी खुशरूबाग घूम चुके थे, तो अब अनी को मैं घुमाऊँगा कंपनी गार्डन। सो गाइज अब हम जा रहे हैं अनी को कंपनी गार्डन लेके, गुनगुन कहूँगी उसके बाद कहीं और भी जाएंगे शायद, उनका मन चला तो कहीं और नहीं जाएंगे, बस इनको हम कंपनी गार्डन घुमा दे। हम पहुंच गए हैं कंपनी गेट के बाहर और यहाँ से टिकट 5-5 रुपए की टिकट, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ये है हमारा गेट और अब हम यहाँ अंदर एंट्री कर लिए थे, वीडियो शूट करना भूल गए थे। ये देखिए यहाँ पे टिकट चेक होती है और आप टिकट दीजिए और अंदर आइए। ये यहाँ से दो रास्ते घूमते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, तो आपको जिधर भी जाना हो। वैसे ज़्यादातर लोग मतलब सारा ही घूमते हैं, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है, तो यहाँ पे वही का ऐड है, दान महादान, तो आप किसी की ज़िंदगी संवार सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घूमने, पूरा तो नहीं घूम पाएंगे क्योंकि शाम होने वाली है, जहाँ तक घूमते हैं वहाँ तक आपको दिखाते हैं। सो ये देखिए आप, फाइटर एयरक्राफ्ट का ये लगा है, ऑन 15 जुलाई 2006 रुपये है। बच्चों का खेल प्रांगण और ये प्ले एरिया के जस्ट बगल में ही थोड़ी दूर से एक गेट गया है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इधर सारे प्लांट्स हैं जो कि नक्षत्र वाटिका टाइप का, अभी दिखाते हैं हम आपको। इधर सारे के सारे नक्षत्र वाटिका में प्लांट्स हैं, जितने नाम लिखे हैं सबके प्लांट्स यहाँ पे हैं। नेचुरल चीज़ों की बात ही अलग होती है, तो इधर बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसा कि आप बोल्ड में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, कदम, मदार, शमी, नीम, अमरूद, मतलब बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बोर्ड केशव प्रसाद मौर्य जी ने बनवाया और ये पूरा पार्क बहुत ही सुंदर हो गया है। अब तो घूमने के लिए ये बहुत बड़ा पार्क है, म्यूज़ियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम आधी ही दूर घूम पाते हैं और आधी दूर बाद में घूमते हैं किसी दिन आके। थोड़ा सा स्टाइल और पोज मारते हुए सानू ने रिकॉर्डिंग कर ली, तो मैं यहाँ पे और ये मेरे बगल अनी घूम रहा है। बगल में फाउंटेन लगा हुआ है और ये पूरा एरिया डेकोरेट हो जाता है जब भी कोई इवेंट्स वगैरह होता है यहाँ पे, और जब भी कोई मतलब मेला लगता है ऐसा कृषि मेला टाइप का या कुछ भी, तो बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट कर दिया जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉगिंग करने, आप देख सकते हैं यहाँ पे रनिंग करने बहुत सारे लोग आते हैं,
तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और बहुत ही मस्त घूमने लायक जगह है इलाहाबाद में। तो आप ज़रूर आइए और कंपनी गार्डन विज़िट कीजिए। गुनगुन बहुत थक गई है। शाम होते ही फाउंटेन ऑन हो जाता है और ये कलरफुल भी बहुत रहता है, पर अभी तो लाइट नहीं है इसलिए। यहाँ पे गुनगुन सानू को प्यास लग गई थी तो अनी गुनगुन को ले गया था पानी पिलाने। सो गाइस, हम अनी को पहली बार लेके आए थे इसलिए थोड़ा सानू का फोटोशूट भी जरूरी है। सो घूमने टहलने के बाद अब मुझे टाइम पे घर भी पहुँचना था। ये आप टिकट देखो कितने लोग यहाँ पे आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस से घर, पर कुछ खाया नहीं है। गोला का इंतज़ार कर रहे हैं सानू और गुनगुन के गोला खाने का मन है। अरे फाइनली गोले का स्टॉल दिख गया। सो अब हम जा रहे हैं गोला खाने, तो लेट्स गो विद गोला काला खट्टा। कितने रुपए का है? तो जाएंगे पानी पीना। पानी भी रखते हैं? लो। देख सकते हो भैया जी एक हाथ से अपना लूडो भी गेम ऑन रखे हैं और एक हाथ से हमें गोला भी बना के दे रहे हैं। गुस्सा तो बहुत तेज आ रही थी, पर क्या करें, काले खट्टे की बात थी ना। आ गए अपने सेल्फी पॉइंट पे, आई लव प्रयागराज। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, सेल्फीज लेते हैं। आप छुटकू को देख लीजिए ऊपर चढ़ के, अभी हम लोग चढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, घूमने टहलने के बाद अब हम रिक्शे पे बैठ के जा रहे हैं वापस से घर। और बाबू ने अपने मार खाने की सारी व्यवस्था कर ली है क्योंकि इन्होंने वाइट शर्ट पे गिरा लिया है काला खट्टा गोला। और क्या बाबू को लाद पड़ेगी, क्या बाबू की चित्तर धुंगाड़ उठेगी, क्या बाबू को फांसी पे लटका दिया जाएगा। अगर आपको जानना है तो आप बने रहिए हमारे साथ फन विद आयुष। आज ये हम मिलते हैं इस खतरनाक मुजरिम की बहन से, इसका ओपिनियन मांगते हैं। गुनगुन तुम्हें क्या लगता है बाबू के साथ आज क्या होगा, मम्मा क्या करेगी? आज इसको मम्मा बहुत अच्छे से धोएंगी। तो जैसा कि आपने देखा गुनगुन ने बताया धोएंगी। बाबू को एरियल लेना था, पागल है बाबू। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, आई एम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू ईट पूरी, आलू भाटा की सब्जी, आम एक चटनी, सम लौकी, आम, अनी। आई एम ईटिंग दिस, सो लेट्स स्टार्ट। ब्याह के चाचा माँ तने के बात करे करे पिताजी से। अरे उसकी लड़की रही तने के एक आपसे काम दिखा था, तब नहीं रहा छोटा नहीं तो आप ब्याह करवाएंगे तो लोग गाड़ी मर्जी लग जाए। आओ काका समय रहते जब हो जाते बेटो हो जाता, नहीं तो फिर एक बार तड़क गाना। अरे राम मेरे पापा का फोन आ रहा है। ठीक ठीक है, तड़क करना नहीं, पिताजी फोन आता है और रुक जाता नहीं तो हमका मार देंगे। अरे वही पापा पापा हमारा राधे सिंह। अरे तुम राधे हो तो तुम कहाँ के हैं? हेलो हेलो। हाँ अरे ट्रेन से निकलेंगे। ट्रेन से साढ़े बारह की है। नानी के यहाँ कुछ नहीं बैठे हैं। आराम वाली माई तू डंटा भाभी बतू आए लागे। सुना क्या? समय पश्चात आ तू कुछ समय बाद पश्चात, हमने बात कहा नहीं आ कुछ समय बाद पश्चात आ रहे। आराम वाली माई करंट भी दी हुआ दियो टनर हुआ काटे रहा हमारा फोन कहो समय आई कब हम वो काटा डरा बटवा करा तू हमारे लगे फोन ब्लाउज अब नहीं ठोक के आए ना फिर के। ये देखो आप सभी लोग, आयुषी हमेशा की तरह पकपकाती हुई, मम्मी सैडिस लिए हैं क्योंकि नानी के घर से वापस जा रही हैं। पुल बन रहा है इसी की वजह से हमें ट्रेन से जाना पड़ता है। सो गाइस अब हम व्लॉग एंड करते हैं, घर पहुंचते हैं। मेरा 11 को बर्थडे है तो उसकी तैयारी भी करनी है। और बहुत सारा प्यार लव सपोर्ट करते रहिए आप और ऐसे ही हमारे साथ स्टे कनेक्टेड विद अस। सो बाय गाइस, लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।